वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका में सेना का प्रवेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर वहां पर सुग्रीव की आज्ञा से बड़े-बड़े वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम बाली का श्वशुर सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ वेगवान वानरों की 10 अरब सेना थी। महाबलवान गज और गव्य 1-1 अरब सेना लेकर आए। ग्वाक्ष के साथ 60 अरब वानर थे। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से प्रसिद्ध वानर अपने साथ 100 अरब वानरों की फौज लेकर आया। महाबली पनस के साथ 52 करोड़ सेना थी। अत्यंत पराक्रमी दधिमुख भी तेजस्वी वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जांबवान के साथ भयानक पौरुष दिखाने वाले काले रीछों की 100 अरब सेना थी। ये तथा और भी बहुत से वानर सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां एकत्रित हुए। इन वानरों में से कितनों ही का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, कई भैंसों की तरह मोटे और काले थे, कितने ही शरद ऋतु के बादल जैसे सफेद थे, बहुतों का मुख सिंदूर के समान लाल था। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार जब सब ओर से वानरों की फौज इकट्ठी हो गई, तब सुग्रीव सहित भगवान राम ने एक दिन अच्छी तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में वहां से कूच कर दिया। उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी की गई थी। उस व्यूह के अग्र भाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे थे। इनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, क्रात, मैंद और द्विविद भी सेना की रक्षा करते थे। इन सबके द्वारा सुरक्षित होकर वह फौज श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में अनेकों जंगल तथा पहाड़ों पर पड़ाव डालती हुई वह लवण समुद्र के पास जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने डेरा डाल दिया। तदनंतर भगवान राम ने प्रधान प्रधान वानरों के बीच सुग्रीव से सम्योचित बात कही, हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। ऐसी दशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारने के लिए तो हम लोगों के पास नावें भी नहीं हैं। व्यापारियों के जहाजों से पार जाया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी फौज दूर तक फैली हुई है, यदि इसकी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है। हमारे विचार में तो यह आता है कि किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना करें, यहां उपवास पूर्वक धरना दें, यही कोई मार्ग बताएगा। उपासना करने पर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोघ बाणों से इसे जलाकर सुखा डालूंगा। यों कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित आचमन करके समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर लेट गए। तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों सहित प्रकट होकर स्वप्न में भगवान राम को दर्शन दिया और मधुर वचनों में कहा, कौसल्या नंदन, मैं आपकी क्या सहायता करूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, नदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए मार्ग चाहता हूं, जिससे जाकर रावण का वध कर सकूं। यदि मेरे मांगने पर भी रास्ता न दोगे, तो अभिमंत्रित किए हुए दिव्य बाणों से तुम्हें सुखा डालूंगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं आपका मुकाबला नहीं करना चाहता और आपके काम में विघ्न डालने की भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो कुछ करना उचित हो वह कीजिए।
यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूंगा, तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेना में नल नामक एक वानर है, वह विश्वकर्मा का पुत्र है। उसे शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। वह अपने हाथ से जो भी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा, उसे मैं ऊपर रोके रहूंगा। इस प्रकार आपके लिए एक पुल तैयार हो जाएगा। यों कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। श्री रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया और नल को बुलाकर कहा, नल, तुम समुद्र पर एक पुल बनाओ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस कार्य में कुशल हो। इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई 400 कोस की और चौड़ाई 40 कोस की थी। आज भी वह इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर वहां श्री रामचंद्र जी के पास राक्षस राज रावण का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ 4 मंत्री भी थे। भगवान राम बड़े ही उदार हृदय वाले थे। उन्होंने विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया। सुग्रीव के मन में शंका हुई कि यह शत्रु का कोई जासूस न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया। इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी क्षण विभीषण को राक्षसों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया, लक्ष्मण से उसकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग पुल की राह से चले और 1 महीने में समुद्र के पार पहुंच गए। वहां लंका की सीमा पर फौज की छावनी पड़ गई और वानर वीरों ने वहां के कई सुंदर-सुंदर बगीचों को तहस-नहस कर डाला। रावण के 2 मंत्री थे, शुक और सारण। वे दोनों भेद लेने आए थे और वानरों के वेश में रामचंद्र जी की सेना में मिल गए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर पकड़ लिया। फिर जब वे अपने असली रूप में प्रकट हुए, तो उन्हें राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया। लंका के उपवन में सेना ठहराई गई और भगवान राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद का रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाना और राक्षसों तथा वानरों का संग्राम। मार्कंडेय जी कहते हैं, लंका के उस वन में अन्न और पानी का अधिक सुभीता था, फल और मूल प्रचुर मात्रा में प्राप्य थे। इसीलिए वहां सेना का पड़ाव पड़ा था और भगवान राम सब ओर से उसकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की 4 दीवारी और नगर द्वार बहुत ही मजबूत थे, अतः स्वभाव से ही किसी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी, जिसमें अगाध जल था और बहुत से मगर आदि जल जंतु भरे रहते थे। इन खाइयों में खैर की कीलें गड़ी हुई थी, मजबूत किवाड़ लगे थे, गोलाबारी करने वाली मशीनें फिट की गई थी। इन सब कारणों से उनमें प्रवेश करना कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, परसे, मोम के मुदगर और तोप आदि अस्त्र शस्त्रों का भी विशेष संग्रह था। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले रिसाले भी तैनात किए गए थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंचकर उन्होंने रावण के पास खबर भेजी और निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसों के बीच महाबली अंगद मेघमाला से घिरे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षसराज, कौसल देश के राजा
श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। जो अपने मन पर काबू न रखकर अन्याय में लगा रहता है, ऐसे राजा को पाकर उसके अधीन रहने वाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया और राज ऋषियों तथा रोती बिलखती अबलाओं के भी प्राण लिए। इन सब अत्याचारों का फल अब प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, तो भी मेरे धनुष की शक्ति देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असंभव है। मैं अपने तीखे बाणों से इस भूमंडल को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका, वह क्रोध से अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगद के चार अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन चारों को लिए दिए ही उछलकर महल की छत पर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीर से छूटकर वे चारों राक्षस जमीन पर गिर पड़े। उनकी छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद महल के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप आ पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र जी से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई। राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की, फिर वे विश्राम करने चले गए।